तो मार्केट में अभी अच्छी स्ट्रेंथ है क्योंकि 20 अंकों की बढ़त निफ्टी एसजीएक्स निफ्टी भी आपको दिखा रहा है और 8260 का लेवल है। तो 8300 तक मार्केट के जाने की जो संकेत हमको चाहिए वो अब तक पॉजिटिव हैं, लेकिन एक चीज आज मार्केट को डाइजेस्ट करना होगा वो है ऑटो सेल्स के नंबर, वो कैसे आते हैं आज नवंबर महीने के, जिसमें 8 तारीख को नोटबंदी हो गई थी उसके बाद के नंबर्स हैं ये। राजेश सतपुते भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे निफ्टी के बारे में और अलग अलग स्टॉक्स का भी उनसे व्यू लेंगे। राजेश शुक्रिया आज समय देने के लिए। एक 3i इन्फोटेक के साथ मैं शुरुआत कर रहा हूँ, निफ्टी का आउटलुक मैं आपका बाद में लूँगा। यहाँ पर एक खबर यह है कि IMS यूनिट को ये बेचना चाहता है और ये करीब 300 करोड़ रुपये के आसपास का सौदा होगा, जिसके साथ श्री इंफ्रा के साथ ये बातचीत कर रहा है। हालांकि ये शेयर 5.5 रुपये का, लेकिन श्री इंफ्रा जिसको खरीदना चाहता है उस पर आपकी रिकमेंडेशन क्या है? श्री इंफ्रा देखिए, देखिए वैसा टेक्निकली देखें तो इसका जो शॉर्ट टर्म बेस बनता है वो 5.10 रुपये के आसपास बनता है, विच इज़ नथिंग बट इट्स 200 DMA लेवल, और ओवरऑल उसका जो शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है। बट एज यू नो दैट थोड़ा कंफर्ट नहीं आता ऐसे स्टॉक्स में, बट चूंकि न्यूज़ बेस है तो डेफिनेटली 5.10 रुपये का सपोर्ट है और अपसाइड में जो जाएगा वो रफली 6.5-6.70 रुपये तक जा सकता है। श्री इंफ्रा पे आपके रिकमेंडेशन क्या है, जो 80 रुपए का शेयर है जिसको कंपनी को बाय करना चाहता है? विच वन सर? श्री इंफ्रा। या देखिए 80 रुपीज का शेयर है, इसका जो शॉर्ट टर्म पुलबैक है वो रफली हमने देखा 20 रुपए के सॉरी 70 रुपीज के आसपास से चालू हुआ है और अपसाइड में मुझे लगता है कि ये कैप्ड है, समवेयर नियर 85 प्लस तक एक पुलबैक आ सकता है। लेकिन टेक्निकली स्ट्रक्चर इतना भी स्ट्रांग नहीं है कि यस यहाँ पे हम बोल सके कि यस यू कैन गो लॉन्ग एट दिस लेवल। आई थिंक दिस इज नॉट द काउंटर वेयर यू शुड बेट एज ऑफ नाउ। जी, ऑल मार्केटिंग कंपनीज पर भी आज आपको ध्यान देना है। दो खबरें हैं जो कि असर डालेंगी। सबसे पहला तो ये कि जो पेट्रोल के दाम है उसमें 13 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, डीजल के दामों में 12 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई है, और 1 दिसंबर से जो ATF की कीमतें हैं वहाँ भी 4.25% का कट हुआ है। ये तो जो मंथ में 2 बार रिव्यू करती हैं प्राइसेस, उसी के तहत ये डिसीजन लिया गया है। लेकिन ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट ये है कि डॉलर की कमजोरी और साथ ही क्रूड में उछाल, ये दोनों ही फैक्टर्स इन कंपनियों पर असर डालते हैं। ऐसे में विवेक आपकी राय क्या रहेगी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर? देखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में मैं ओवरऑल बुलिश हूँ और उनके बिजनेस मॉडल को लेके, ना कि ये क्रूड ऑयल में क्या हो रहा है मतलब कल डिसीजन के बाद। देखिए ये जो भी पेट्रोल और डीजल है दोनों डीरेगुलेटेड है, और अगर यहाँ पे क्रूड ऑयल अगर गिरता है या बढ़ता है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी उस हिसाब से ऑटोमेटिकली प्राइस अप और डाउन करती है। तो उस बेसिस पे मॉडल आज के दिन अच्छा है और ये लोग डिफरेंशियल प्राइसिंग का मॉडल भी यूज करते हैं, जिसके कारण मैं ऑयल कंपनीज पे बुलिश हूँ। लेकिन ये जो क्रूड ऑयल में कटौती हुई है कल जो डिसीजन हुआ है, मुझे नहीं लगता ये बहुत लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट देने वाला है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड नहीं बढ़ा है, जस्ट सप्लाई को थोड़ा बहुत कट किया गया है। इस कारण मुझे ये नहीं लगता है कि क्रूड बहुत ज्यादा दौड़ेगा, और लॉन्ग टर्म यस टारगेट हो सकता है कि 55, ये मैं बहुत दिनों से मेंटेन कर रहा हूँ कि वो बराबर लेवल रहेगा ताकि कंपनीज बराबर चले और कोई भी कंट्री में ये फिस्कल डेफिसिट का प्रॉब्लम नहीं आए। लेकिन ओवरऑल ठीक है, ये सेल ऑन रैलीज हो सकता है फॉर इंट्राडे और या 1-2 दिन के लिए, लेकिन बिग न्यूज नहीं है मेरे लिए। कल शाम को एक और डेवलपमेंट हुई, वो थे GDP के नंबर। 7.5% की एक्सपेक्टेशन थी, नंबर आए 7.3। अलग अलग सेगमेंट के नंबर भी हमने देखे, जिसमें कृषि यानी कि एग्रीकल्चर ग्रोथ बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वहाँ पे 3.5% के आसपास की ग्रोथ थी। एक्सपर्ट्स इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि अच्छा मानसून था इसलिए ग्रोथ अच्छी आई है। अब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल और सर्विसेज, तीनों पे अगर आप सर्विसेज की ग्रोथ देखेंगे करीब 7% के आसपास की रही है, तो ये भी सेटिस्फाइड था, कुछ ज़्यादा दिक्कत थी नहीं। हालांकि नोटबंदी को लेकर इस पर थोड़ा असर से पड़ेगा। कल हम जब गुरुचरण दास से बातचीत कर रहे थे जो कि अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा कि 7% GDP ग्रोथ जो सिस्टम चल रहा है उसमें चल रहा है, लेकिन नौकरी बढ़ाने के लिए कम से कम GDP ग्रोथ को 2% पायदान और ऊपर लेके आना होगा। फिलहाल तो नोटबंदी है और जिस तरह के हमने असर देखा है, ब्रोकिंग हाउसेज की रिपोर्ट्स अलग अलग आई हैं, उसमें यह कहा गया है कि 5.5 से 6.5% की GDP ग्रोथ FY17 के आसपास चल सकती है। हालांकि सरकार ने कोई आंकड़ा नहीं दिया, ये अलग अलग रिपोर्ट का है जो थोड़ी बटी हुई भी है। इस बीच अरिति नायर हमारे साथ जुड़ी हैं। अरिति, कल जो नंबर्स आए GDP के वो ओवरऑल ज्यादा ये तो नहीं कहेंगे बहुत डिसअपॉइंटिंग थे, अच्छी चीज ये थी कि अभी हम 7% के ऊपर है ऑन अ ग्रोथ फ्रंट। बुरी चीज ये है कि 7.5% इतना अच्छा एटमॉस्फेयर था लेकिन हम नंबर्स थोड़ा सा चूक गए।
एग्रीकल्चर से सेटिस्फाइड हैं, जीडीपी के ओवरऑल नंबर से आप सेटिस्फाइड हैं जो कल आए हैं? आदिति सुन पा रहे हैं आप? जी देखिए, ओवरऑल मैं जीडीपी और डीवीए की जो ग्रोथ नंबर्स कल आई हैं उनको एक माइल्ड डिसअपॉइंटमेंट कहूंगी। डेफिनेटली हमारे एक्सपेक्टेशन से दोनों ही थोड़े कम आए हैं और एग्रीकल्चरल ग्रोथ इंप्रूव तो हुई है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन हमने बनाई थी एडवांस एस्टिमेट के आंकड़े देखने के बाद, डेफिनेटली उससे कम ही एग्रीकल्चरल ग्रोथ Q2 में सामने आई है। अब Q3 में हार्वेस्ट के बाद कितना ग्रोथ होता है एग्रीकल्चरल सेक्टर का, वो तो ऑब्वियसली बाद में ही पता चलेगा। ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग में जो थोड़ा बहुत स्लोडाउन हुआ है वो बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड था, क्योंकि पिछले काफी क्वार्टर से एक जो अर्निंग ग्रोथ को बूस्ट मिल रहा था लोअर कमोडिटी प्राइसेस का, उसका अब धीरे धीरे इम्पैक्ट चला जाएगा। अब एक्सपेक्टेशन तो हमने यही बनाई थी कि जैसे कमोडिटी प्राइसेस, इनपुट प्राइसेस का इम्पैक्ट मैन्युफैक्चरिंग अर्निंग्स पे जाएगा, उसी तरह धीरे धीरे वॉल्यूम ग्रोथ वापस आएगी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो यही था कि कंजम्पशन को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा पे कमीशन के बाद और अच्छे मॉनसून के बाद। अब ऑब्वियसली ये वाले सारे एक्सपेक्टेशंस हमें वापस रिविजिट करने पड़ रहे हैं। डिमोनेटाइजेशन के बाद अभी तक तो थोड़ा जो लिक्विडिटी में टाइटनेस आई है मार्केट में, उससे डेफिनेटली कंज्यूमर सेंटिमेंट पे थोड़ा धक्का तो आया। बिल्कुल, इनफैक्ट अदिति एक चीज में यही जो आपने मेंशन भी की यही पूछना चाहती थी कि अभी के जो फिगर्स है ये प्री डिमोनेटाइजेशन जीडीपी फिगर्स हैं। अब डीमोनेटाइजेशन क्योंकि इसका असर डेफिनेटली जीडीपी पर पड़ेगा, इसकी बातचीत हो रही है। अभी आपने कमोडिटी प्राइसेस की बात की थी, ओपेक ने भी प्रोडक्शन कट का डिसीजन लिया है जिससे नियर टर्म में तो एटलीस्ट जो क्रूड प्राइसेस हैं वो ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में जो 7.6% की ग्रोथ की हम बात कर रहे थे करंट फिस्कल में, वो अब एक कंसिडरेबली ओवर एस्टिमेटेड लगता है? अभी भी हम सिचुएशन को वॉच कर रहे हैं, कितनी देर तक डिमोनेटाइजेशन के बाद नॉर्मलसी वापस आती है, कितनी जल्दी लोगों का जो थोड़ा बहुत आप फियर अभी है कि लिक्विडिटी शॉर्टेज की वजह से जो वो होल्ड बैक कर रहे हैं या अपने कंजम्पशन को डिफर कर रहे हैं, वो कितनी जल्दी नॉर्मलसी वापस आती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। अभी तक अगर देखें तो जो कैश जो चेंज हुआ है या डिपॉजिट हुआ है करीबन 8.5 लाख करोड़ का कैश या डिपॉजिट या एक्सचेंज हो चुका है, लेकिन जो विथड्रॉल हुई है वो सिर्फ 2.5 लाख करोड़ के करीब है। तो अभी भी जो लिक्विडिटी फ्लो कर रही है मार्केट में वो काफी कम है, और सुनने में ये भी आ रहा है कि लोग अपने नोट थोड़े होल्ड कर रहे हैं क्योंकि डर की वजह। तो जितनी जल्दी ये सब चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी उतना कम इम्पैक्ट हमें जीडीपी और इकोनॉमिक एक्टिविटी पे दिखेगा। तो ये डेफिनेटली अभी एक अनफोल्डिंग सिचुएशन है जिसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। फिलहाल के लिए हमारा जीडीपी एस्टिमेट पूरे साल का 7.5% पे है और डीवीए एस्टिमेट 7.3% पे है, लेकिन कल का डेटा देखते हुए और अभी जो सिचुएशन चल रही है वो देखते हुए फर्दर डाउनसाइड टू आवर एस्टिमेट्स अभी हम रूल आउट नहीं कर सकते। ठीक है, शुक्रिया रेजी बताने के लिए कि अभी थोड़ा कैलकुलेशन करना मुश्किल था और ये बात क्लियरली भी दिख रही है जो अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं, एक कंसेंसस उसमें कम से कम नहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मानस, कल ऑलमोस्ट एक ही फैमिली जो दो बिजनेस रन करती है उन पर न्यूज़ है, एक तो रैली गियर पे कि प्रमोटर ने जो गिरवी रखे शेयर हैं वो छुड़वाए हैं और एक करीब 2.5% के आसपास है जो प्लेज किया था वो अनप्लेज हो गया है, और फोर्टिस हेल्थ पे भी यही खबर है कि इन्होंने भी जो प्रमोटर्स ने जो शेयर रखे थे वो छुड़वा लिए हैं, इनका जो क्वांटम करीब 4.5% के आसपास का है। रैली गियर और फोर्टिस हेल्थ केयर दोनों पे आपकी राय? देखिए, रैली गियर की ज्यादा बात है, बहुत साइडवेज मूव पिछले दिनों देखने को मिले हैं। अगर आप देखें तो 250 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह वो भरा है, और हाई लेवल्स पे देखिए तो 285-290 एक रेजिस्टेंस है, और मैं समझता हूँ कि जब तक इस रेंज के बाहर स्टॉक ना निकले इस पर व्यू लेना थोड़ा डिफिकल्ट है। मीडियम टर्म चार्ट देखेंगे तो वहाँ पर आपको लोअर टॉप लोअर बॉटम्स दिखते हैं, 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, तो फ्रेश खरीदारी की बात नहीं करेंगे। अगर आपको फ्रेश खरीदना है तो 285 के ऊपर ही खरीदना है, और अगर आप लॉन्ग हैं तो 240 का स्टॉप लॉस रखिए। फोर्टिस हेल्थ केयर की जहाँ तक बात है,
बड़ी एक एक आप देखिए तो एक डिसेंट रैली हमने देखी 157 से लेकर 186 तक। पिछले दो दिनों में स्टॉक करेक्ट जरूर हुआ है बट 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अगर आप मीडियम टर्म चार्ट देखेंगे तो 190-195 एक रेजिस्टेंस दिखता है और वो रेंज ब्रेक होती तो एक एक बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। बट जो जो ट्रेंड है वो मैं समझता हूँ एक साइडवेज है, 195 और 160 की रेंज में स्टॉक चल रहा है और शायद हमें उसी रेंज में ट्रेड देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए मैं समझता हूँ कि अगर किसी के पास है तो 168 का स्टॉप लॉस रखें और अगर 195 के ऊपर निकलेगा तो वहां से कम ₹25 का मूव स्टॉक में जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा तीन कंपनियों के स्टॉक्स आज चल सकते हैं वो भी अर्निंग्स के लिहाज से। मान इंफ्रा मुनाफा 9 करोड़ से बढ़कर 16 करोड़ रहा है, अच्छा ग्रोथ कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में दिखा है, लेकिन जो रेवेन्यूज हैं वो डिप हुए हैं, 59 करोड़ से घटकर 27 करोड़ रहे हैं। तो मिक्स नंबर्स लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर अच्छी ग्रोथ। एक दूसरा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, दो वजह स्टॉक पर बात करने की, पीछे तो टायर स्टॉक्स में हमने पिछले 3-4 दिनों में लगातार खरीदारी देखी है और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के नंबर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं, जहां पर मुनाफा 106 करोड़ से बढ़कर 250 करोड़ रहा है और ऑपरेशन से जो इनकम होती है वो 822 करोड़ से बढ़कर 947 करोड़ रही है। और एक पुंजलट देख लीजिए फटाफट से, कुल घाटा बिना बदलाव के 226 करोड़ पर रहा है और जो कुल बिक्री है वो 1004 करोड़ से घटकर 951 करोड़ रही है। लेकिन राजेश, इन तीनों स्टॉक्स में से क्या बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और मान इंफ्रा, इन दोनों को लॉन्ग ट्रेड के लिहाज से कंसिडर किया जा सकता है? देखिए मुझे लगता है कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, मान इंफ्रा और पुंजलड, ये तीनों काउंटर्स मैंने देखे, इसमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ मुझे बालकृष्ण में दिखता है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जो करंट मार्केट प्राइस 994 है, कल भी ये 8% अप था, इट क्लियरली इंडिकेट्स कि आफ्टर करेक्शन यानी 1200 रुपये से जो करेक्ट हुआ है रफली 870 तक, उसके बाद आई थिंक इट द काउंटर इज रेडी फॉर ए नेक्स्ट अप मूव। सो दिस इज़ अ लेवल कि जहाँ पे आपको बाय करना है, अगर आज भी मिलता है बाय ऑन डिप मिले तो बहुत बेहतर है, लेकिन थोड़ा अप मिलता है तो यस यू कैन स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग और मे बी बाइंग अ बिट। यहाँ पे बाय करिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 900-910 ऑन ए पोजिशनल ग्राउंड। मुझे लगता है करंट मार्केट प्राइस से अगर यहाँ से चलता है तो फिर से ये एक बार के लिए 1200 तक जा सकता है और मे बी लिटिल बिट मोर। द स्ट्रेंथ, इसका जो प्राइमरी ट्रेंड है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है। ठीक है, जो न्यूज़ वाले शेयर थे लेकिन आपको इंटरडे कॉल्स भी दे देते हैं, अगर आप आज बैठे हैं और नोट करना चाहते हैं फटाफट से नोट कर लीजिएगा, 3 मिनट में आपको बताने वाले हैं हम 10 इंटरडे कॉल्स। अंचल हमारे साथ जुड़े हैं ये बताने के लिए, अंचल बताएं आप। शुक्रिया रिम्पी, शुरुआत करेंगे आज सबसे पहले IDBI कैपिटल से, दो कॉल्स ही उन्होंने, खरीदारी की सलाह दी जा रही है कैनरा बैंक के शेयर में, कहीं ना कहीं जो मोमेंटम कल बैंकिंग में था वो कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखेगा, आज ट्रेडर्स उसका फायदा उठा सकते हैं। कैनरा बैंक में खरीदारी करके चलिए, 329 के टारगेट सजाए जा रहे हैं, 313 रुपये का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस नीचे के स्तर पर रखिए। दूसरी ओर एजिस लॉजिस्टिक्स का शेयर है जहाँ पे खरीदारी की सलाह दी जा रही है, 155 रुपये के लक्ष्य के साथ आप खरीदारी करके चल सकते हैं एजिस लॉजिस्टिक्स में, आज के लिए 146 रुपीज़ का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। सुमित बागड़िया चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से दो कॉल्स आई हैं, पहले तो इंडियन बैंक पे, कहीं ना कहीं बैंकिंग शेयर वापस से फोकस पाए, इंडियन बैंक में खरीदारी की सलाह दी जा रही है, उनका मानना है 262 रुपये के लक्ष्य आज के सत्र में शेयर छूता हुआ दिखेगा, 245 का एक स्टॉप लॉस रखिए। वहीं दूसरी ओर GSFC एक और शेयर है जहाँ पर खरीदारी की जा सकती है, एक अच्छा मूव इसमें आता हुआ दिख सकता है, ऑलरेडी पिछले 2-3 दिनों से इम्प्रूव स्ट्रेंथ दिखाई है शेयर ने, वॉल्यूम्स अच्छे रहे हैं तो आज वो तेज़ी बढ़ती हुई दिखेगी, खरीदारी करिए GSFC पे 94 रुपीज़ के टारगेट के साथ और स्टॉप लॉस रखिए 84 रुपीज़ का। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है GSFC सिर्फ इंट्राडे प्ले नहीं है, अगर आप होल्ड कर सकते हैं पोजिशनली अगले 2-3 दिन तो ये शेयर काफ़ी मजबूती में रह सकता है। दूसरी ओर इन्वेस्टर पॉइंट की तरफ से BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में खरीदारी की सलाह है, उनका मानना है 1475 रुपये के लक्ष्य के साथ आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं आज इंट्राडे के दौरान, एक अच्छा मूव आता हुआ दिखेगा, 1423 का एक स्टॉप लॉस रखिए। साथ ही आप खरीदारी करिए एप्टेक के शेयर में, आज इंट्राडे में ट्रेडर्स के लिए मुनाफेमंद शेयर हो सकता है एप्टेक का, एक अच्छे मूव की उम्मीद की जा रही है, 175 रुपीज़ के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है एप्टेक के शेयर में, नीचे स्टॉप लॉस रखिए 159 का। पुष्कराज करंत का मानते हैं बजाज ऑटो एक ऐसा शेयर है जहां पे निवेशकों को, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनको फायदा आता हुआ दिखेगा, 2770 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की जा सकती है, लेकिन हाँ आज इंट्राडे के लिए टारगेट है, गोइंग अहेड अगले 2-3 दिन भी बजाज ऑटो में तेज़ी रह सकती है, नीचे स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 2650 रुपये का। साथ ही अल्ट्राटेक सीमेंट, दोनों ही उन्होंने लार्ज कैप शेयर्स दिए हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट भी मानते हैं खरीदारी करके चलिए, 3666 के टारगेट्स आज के सत्र में आपको आते हुए दिख सकेंगे शेयर के अंदर, स्टॉप लॉस रखिए 3570 रुपये का। आज की आखिरी दो कॉल इन्वेस्टर एशिया फाइनेंशियल की तरफ से इम्तियाज़ कुरैशी जी की तरफ से है, टाटा एलेक्सी में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, 1310 रुपये के लक्ष्य के लिए आप आज इंट्राडे में खरीदारी करके चल सकते हैं टाटा एलेक्सी के शेयर में,
स्टॉप लॉस रखिए 1245 रुपए का। और आखिरी कॉल आज के रहेगी आइडिया सेलर की, इसे खरीदारी करके चलिए 80 रुपए के टारगेट के साथ आप खरीदारी करिए। देखिए जो बातचीत चल रही थी इनकी हिस्सा बिक्री की, वो बेशक अभी डिनाई किया है, लेकिन गोइंग अहेड कंपनी अपने कारोबार को अब कोर बिजनेस पे फोकस कर रही है, वो एक ट्रिगर रहेगा। तो इंट्रा डे के लिए तो एक फेवरेबल शेयर है ही है। इम्तियाज जी का मानना है पोजिशनल स्टॉक के तौर पे भी आइडिया सेलर को देखा जा सकता है। स्टॉप लॉस रखिए 76 रुपए का, टारगेट रहेगा 80 का। जी चलिए शुक्रिया अंचल आपका। तो ये 10 ट्रेड्स आपको बताए गए हैं 3 मिनट में, जिन पर आप ध्यान दे सकते हैं आज इंट्राडे के लिहाज से। लेकिन इस बीच एक खबर और आ रही है कि दिल्ली और मुंबई में जो फ्लाइट ऑपरेशंस हैं दिल्ली में वो कैंसिल हुए हैं, और शायद ये फोका ही असर होगा। बिल्कुल, विजिबिलिटी कम हो गई है और 50 मीटर से कम की विजिबिलिटी है। आप देखिए आपको पूरा जो रनवे होता है वही आपको नहीं दिखेगा, तो आप उड़ान और जब नीचे आते हैं, हालांकि कैट आई लाइट्स लगी होती हैं वो यूजली रात के लिए हैं, जब फोग आती है तो फोग होने से वो कैट लाइट्स लगी हुई हैं वो भी काम नहीं करती हैं। तो ये पूरी तरह से दिल्ली में जो ऑपरेशन सस्पेंडेड हुआ है टेम्परेरी बेसिस पे, फोग छटेगी तो उसके बाद फिर से शुरू हो जाएगा, लेकिन फिलहाल विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो गई है। इसलिए पूरा एयरपोर्ट में जितनी भी फ्लाइट्स हैं, चाहे डोमेस्टिक हैं चाहे इंटरनेशनल, सबको सस्पेंड कर दिया गया, फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। जो लोग एयरपोर्ट पे हैं अभी एयरपोर्ट पे ही रुके रहेंगे, जब तक नई उनको इन्फॉर्मेशन या फोग छटने की नई जानकारी उनको नहीं मिलती है। तो 50 मीटर की विजिबिलिटी ये एक हर्डल है जो कि एयरवेज को काम कल भी हमने देखा था कि कई जो एविएशन कंपनियां उन्होंने अपनी उड़ानें रद्द की थी या फिर पोस्टपोन की थी। कल 10 उड़ानें जो अफेक्ट हुई थी वो जेट इंडिगो की थी, स्पाइसजेट और जेट एयरवेज की उड़ानें भी अफेक्ट हुई थी, और आज क्योंकि सेकंड डे ऑफ फॉग था तो इसी वजह से जो उड़ान सेवा है दिल्ली में वो फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दी गई है। जैसे विजिबिलिटी क्लियर होगी शायद इसको रिवाइज किया जाए, लेकिन अभी के लिए ये एक बड़ी डेवलपमेंट, क्योंकि अगर आप एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं या फिर अगर आपकी फ्लाइट को स्केड्यूल्ड है तो प्लीज आप चेक कर ले कि क्या अपडेट है अभी। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं आज के ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की, 10 ट्रेड्स अभी अंचल ने आपको बताए, एक और स्टॉक हम आपको बताते हैं टुडे ट्रेड के तौर पर, रुक कर लेते हैं इसी सेगमेंट का। डिम्पी से जान लेते हैं आज का टुडे ट्रेड, जिसको टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स दोनों ही आधार पर पिक किया गया है। बताइए डिम्पी आज का शेयर। ऑयल कंट्री ट्रिब्यूलर पे आप नज़र रख सकते हैं, वो इस वजह से क्योंकि ये ड्रिलिंग की इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है, वो इस वजह से भी आपको इस पे ज़्यादा ध्यान रखना होगा, वो क्योंकि ड्रिलिंग बिजनेस तभी बढ़ेगा जब आपकी क्रूड के प्राइसेस ऊपर होंगे। कल ऑफशोर कंपनीज के भी मार्जिन्स में तभी इजाफा होगा जब क्रूड के प्राइसेस ऊपर होंगे। नो डाउट ये इकोनॉमी के आप बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका कोर बिजनेस ही यही है कि क्रूड के प्राइस ऊपर रहने पे वो बड़े बेनिफिशियरी होते हैं, क्योंकि ड्रिलिंग एक्टिविटीज तब बढ़ जाती हैं, कंपनी अपने सस्पेंडेड प्रोजेक्ट्स पे भी काम करना शुरू कर देती है। अब जब प्रोडक्शन कट हुआ उससे एकाएक हमने देखा कि $50 तक वापस कच्चा तेल पहुँच गया, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि $7 तक भी जा सकता है। ये एक ऐसा कंफर्ट जोन है जहां पे शायद ऑयल ड्रिलिंग वाली कंपनीज, ऑफशोर कंपनीज, इन सबको बड़ा बेनिफिट हो सकता है उनके ऑपरेशनल एफिशिएंसी के तौर पर लेके, कि जहां काम बंद है, जहां पर मार्जिन स्क्वीज है, जहां पे ऑर्डर्स फ्लो नहीं आ रहा, वो सभी पे ऑर्डर्स बढ़ता हुआ दिखेगा। एनर्जी सेक्टर में जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो जैसे हम कह रहे थे कि सरकार भी उनको खोलना चाहती है, और कंपनीज हो सकते हैं जब टेंडर लेके आए तो ये कंपनी एग्रेसिवली उसमें पार्टिसिपेट करे और टेंडर मिले तो कुल मिला के इकोनॉमी की एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। अब आते हैं इसके कुछ एक और अहम चीज़ों पर। अब आते हैं डिलीवरी वॉल्यूम, जो बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इन्वेस्टर्स कैसे शेयर को होल्ड करेंगे, थामेंगे या फिर नहीं। पिछले 8 सत्रों में करीब 50% की कैश डिलीवरी अवेलेबल है, डेट मीन्स इन्वेस्टर्स में ऑलरेडी हैं। अब आते हैं 2016 में इसने 23 रुपये के निचले स्तरों से 47% ये शेयर ऊपर पहुंचा, यानी कि प्राइस एप्रिसिएशन भी काफ़ी स्ट्रांग मोमेंटम के साथ आया, और मंथली चार्ट पे एक अच्छा स्ट्रांग कैंडिडेट भी है।